हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, क्लास 12th का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर चल रहा था और उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। मेन टॉपिक्स है हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, है ना, वर्क डन, उसके बाद में थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड प्रोसेस। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, है ना, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है वो भी पढ़ा था। ओके, और चलो रिवाइज कर लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती थी। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक प्रोसेस होती है, वो क्या करती है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, जो हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम होती है उसके जो स्टेट चेंज कर देती है, उसकी क्या चेंज कर देती है, स्टेट चेंज करने का काम करती है। और किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के जो स्टेट होता है वो स्टेट किससे बताई जाती है, वो स्टेट बताई जाती है उसके स्टेट वेरिएबल्स से। ठीक है, और स्टेट वेरिएबल्स कितने होते हैं हमको पता है, बहुत सारे हैं। ठीक है, मेन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, उसके बाद में डेंसिटी, ये सारे क्या है हमारे स्टेट वेरिएबल्स। ये प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दो, आप क्या करोगे, सिस्टम का स्टेट एक्सप्लेन करोगे। और किसी सिस्टम का एक पर्टिकुलर स्टेट होता है, उस स्टेट को चेंज करना, मतलब इन सारे वेरिएबल्स को चेंज करने का काम कौन जो प्रोसेस करेगी, वो प्रोसेस को हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। करेक्ट है, ओके। तो ये प्रोसेस के क्लासिफिकेशन है, टाइप्स है। कुछ प्रोसेस के नाम आपने सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे जो अभी देखेंगे। ठीक है, तो इस थर्मोडायनामिक जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम कौन सी प्रोसेस देखने वाले हैं वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोसेस होगा आइसोथर्मल, ठीक है, जिसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। एक एक प्रोसेस डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। दूसरा प्रोसेस होगा आइसोबारिक, जिसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा। एक स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा और बाकी दो वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन देखेंगे। और हाँ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तब तीन ही वेरिएबल के बारे में हम सोचेंगे। पहला वेरिएबल है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर, तीसरा है वॉल्यूम। इनको छोड़ दो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम जब भी पढ़ेंगे तो इन तीन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी भी स्टेट वेरिएबल्स होती है सिस्टम के, लेकिन हम इन तीन वेरिएबल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ओके। थर्ड आइसोकोरिक, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट, एक बार प्रेशर कांस्टेंट, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट। फोर्थ जो है एडियाबेटिक, ये नया नाम सुना होगा। ठीक है, इसमें हीट कंटेंट कांस्टेंट होगा, हीट कंटेंट कांस्टेंट होगा। फिफ्थ इसमें क्या होगा, इसमें साइक्लिक प्रोसेस होंगी ये। ठीक है, उसके बाद में सिक्स्थ फ्री एक्सपांशन। ठीक है, और एक है जो मैं भूल रहा हूं, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, हीट कंटेंट कांस्टेंट, साइक्लिक प्रोसेस एंड फ्री एक्सपांशन। एक और प्रोसेस है जिसका नाम मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब हम पढ़ेंगे उसको पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसेस है, लेकिन ये सारी प्रोसेसेस दो इसमें आती है। अभी मेन टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा। एक प्रोसेस होती है रिवर्सिबल, ठीक है, और दूसरी प्रोसेस होती है इरिवर्सिबल। ये जो हमारा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है, इसमें ये हम रिवर्सिबल के बारे में पढ़ेंगे, इरिवर्सिबल के बारे में नहीं पढ़ने वाले। लेकिन ये जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। आइसोबारिक प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है, उसी तरह से ये है। तो ये सारी प्रोसेसेस पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, और रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस, यही हमारा आज का टॉपिक होगा। इसको हम बोर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छा फील भी आएगा आपको कि क्या होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन बोर्ड में जब आएगा ये वाला, और ये बोर्ड में ही आएगा, आपको सिर्फ डिफरेंस आएगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में डिफरेंस बताओ, दो या तीन मार्क का क्वेश्चन आएगा। बहुत सिंपल है, डिफरेंस की तरह से पढ़ेंगे। चलिए, तो चलिए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस बोर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि आएगा ये बोर्ड में ही, है ना। तो
रिवर्स एंड इरिवर्सिबल। रिवर्स का मतलब आप जानते हो, इरिवर्सिबल का मतलब जानते हो। रिवर्स मतलब ऐसी प्रोसेस जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अभी रिवर्स कब कर सकते हैं, कोई भी चीज हो उसको रिवर्स कब कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है तब, ठीक है। जरा सोचने की बात है कि अगर कोई प्रोसेस स्लो हो रही है, मान लो ऐसा 1 2 3 4, ये इंटरमीडिएट स्टेज है ना, पाथ बोलते थे अपन जब प्रोसेस पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तब ये जो ये इनिशियल स्टेट होती है, ये फाइनल स्टेट होती है, और ये जो बीच के है उनको हम क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रोसेस। अगर प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होगी, प्रोसेस अगर बहुत ही धीरे धीरे होगी तो हमको उसको रिवर्स करना भी क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि हमको उसकी इंटरमीडिएट जो स्टेट्स है ना वो पता है, ठीक है। पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उतने टाइम में क्या हो रहा है, हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं वो हमको ध्यान में रहेगा, है ना। फास्ट में वैसे नहीं होता है, फास्ट में तुरंत चीजें घट जाती है, हमको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। और फास्ट में भी ऐसा ही होगा, ए स्टेट से बी स्टेट तक जाएगा, ए स्टेट से, लेकिन एकदम फास्ट जाएगा। एकदम कैसे जाएगा, फास्ट में जाएगा। तो इंटरमीडिएट स्टेट्स में क्या हो रहा था वो हमको समझ में नहीं आता है, और आपको बोलेंगे कि ये प्रोसेस रिवर्स करो, तो हर एक इंटरमीडिएट स्टेट्स के अंदर से हमको जाना पड़ेगा। अगर इंटरमीडिएट स्टेट ही आपको नहीं पता है तो आप रिवर्स कैसे कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहला क्या है कि जो प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जो बहुत ही स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है, वैसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन वो स्लो क्यों होनी चाहिए, वो स्लो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमको इंटरमीडिएट स्टेट्स पता होनी चाहिए, और जब हम रिवर्स जाएंगे तो हर एक इंटरमीडिएट स्टेट को अचीव करते 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 फिर बाद में इनिशियल स्टेट को हम अचीव करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में, है ना। तो पहला डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ नाम से, ये रिवर्स रिट्रेस कर सकते हैं, इसको रिवर्स रिट्रेस नहीं कर सकते हैं। द प्रोसेस विच कैन बी रिट्रेस्ड बैक, ऐसी प्रोसेस जिसको हम रिट्रेस कर सकते हैं, रिट्रेस वापस से ट्रेस करना, लेकिन कैसे, बैक। द प्रोसेस विच कैन बी रिट्रेस्ड बैक इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये क्या हो जाएगा, ये कैनॉट बी रिट्रेस्ड बैक, ऐसी प्रोसेस जिसको हम रिट्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो दो बॉडीज है, एक बॉडी का टेम्परेचर है 100, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर है 50, इनको मैं लेके आया हूं आइसोलेटेड एरिया में। सबसे पहला काम क्या होगा, ये हाई टेम्परेचर है, हीट देगी और ये बॉडी हीट ले लेगी। अभी प्रोसेस चल रहा है, क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने का प्रोसेस चल रहा है। ये धीरे धीरे कम होगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, कब तक, जब तक ये 75 नहीं होता, और ये भी बराबर क्या हो जाएगा, 75, आदान प्रदान हो जाएगा हीट का, ये लेगी हीट और ये बॉडी हीट देगी, ठीक है। इनिशियल स्टेट क्या था हमारा, ये 100 पे था, ये 50 पे था, फाइनल स्टेट क्या है, 75, ये हो गई प्रोसेस, ठीक है। अभी हम वापस इसको रिट्रेस कर सकते हैं क्या, वापस रिट्रेस करना मतलब इसका टेम्परेचर जो पहले था 100 वो वापस लाना है हमको, और इसका टेम्परेचर जो 50 था वो, अभी अपने आप करेंगे क्या ये सारी, ये जो प्रोसेस हुई थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तो हम बोलेंगे कि चलो वापस जो है ना कि इसको 100 करते हैं, इसको 50 करते हैं, हमको बाहर से अलग प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो जो एक ही प्रोसेस है वो वापस 75 का 100 नहीं करेगी, 75 का 50 नहीं करेगी, पहले स्टेट में वापस हम रिट्रेस नहीं कर सकते, पहले स्टेट में, इस केस में हम वापस पहले स्टेट पे रिट्रेस नहीं कर सकते। तो ये वाली प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी इरिवर्सिबल, ठीक है। बाकी दूसरा जो है मेल्टिंग जो है आइस का, ठीक है, आइस को मेल्ट करो, उसके बाद में क्या होगा आपका, पानी हो जाएगा, उसको फ्रीज करो, वापस क्या हो जाएगा आपका, आइस हो जाएगा। तो कुछ प्रोसेसेस ऐसी है जो रिवर्सिबल है, लेकिन रियल टाइम में ना रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो आइडियल कंसेप्ट है। चलो ये पहले लिख लो, दूसरा ये है आइडियल, ठीक है, आइडियल प्रोसेसेस, ये जो है ये रियल टाइम, मतलब जो रियल टाइम में होता है एक्चुअली वो है हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल कंसेप्ट मान के चलो, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल कंसेप्ट मानना है,
ठीक है। तो बहुत सारी प्रोसेसेस जो होगी हमारी लाइफ में वो कौन सी होगी, इरिवर्सिबल। लेकिन जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में इस चैप्टर में जो भी हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है। जो एक्चुअल में घट रहा है वो नहीं पढ़ रहे, ठीक है। कौन सी पढ़ेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे। मैंने जो आपको बताया आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक वगैरह, वो सारी प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे, लेकिन उनका नेचर कैसा होगा, उनका नेचर होगा रिवर्सिबल होगा, ठीक है, वही पढ़ेंगे। इरिवर्सिबल पढ़ना मुश्किल है इसलिए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए सिलेबस में भी नहीं दिया है। थर्ड, समझ में आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में पहला क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट तक रिट्रेस करके जा सकते हैं। इरिवर्सिबल में वैसा नहीं होता है, फाइनल स्टेट से वापस इनिशियल स्टेट तक हम रिट्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेट्स हमको नहीं पता चलता, इतनी जल्दी प्रोसेस हो जाती है वो टाइम से हमको पता नहीं चलता है। तो इंटरमीडिएट स्टेट्स पता होने के लिए हमको क्या होना चाहिए, इन्फाइनाइटली स्लो, इन्फाइनाइटेसिमली स्लो प्रोसेसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेसेस कैसी होती है, इन्फाइनाइटेसिमली स्लो प्रोसेस होती है, उनको दूसरा नाम है कॉसी स्टैटिक प्रोसेस। सॉरी, कौन सी प्रोसेसेस, कॉसी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। स्लो होगी तभी हमको इंटरमीडिएट स्टेट पता चलेगा, ठीक है। ये प्रोसेस रिलेटिवली कैसी होती है, फास्ट होती है। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस रिलेटिवली फास्ट होती है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं लेकिन फास्ट होती है इससे, ठीक है। फोर्थ, अभी मैंने देयर इज एन इक्विलिब्रियम एट ईच स्टेज ऑफ, देयर इज एन इक्विलिब्रियम at each stage of the process, each stage, initial state से final state, initial state से final state, एक ही तरह का ग्राफ ले रहे हो, ठीक है, और ये बीच में intermediate stage है, ठीक है। reversible में क्या होगा, ये वाला initial state हमारा equilibrium में होगा, final भी हमारा क्या होगा, equilibrium, बीच में क्या हो रहा है, बीच में हमारा state change होने का प्रोसेस हो रहा है, ये है इंटरमीडिएट स्टेज, ये है रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज एन इक्विलिब्रियम एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस। इस स्टेज पे भी हमारी प्रोसेस, ओ सॉरी, इस स्टेज पे भी हमारी जो सिस्टम है, सिस्टम का स्टेट चेंज कर रही है ना हमारी प्रोसेस, ठीक है। तो सिस्टम पे हमारी प्रोसेस काम कर रही है, जब हमारी सिस्टम किसी जब हमारी प्रोसेस किसी सिस्टम पे काम करती है तो सिस्टम का स्टेट चेंज होता है, लेकिन स्टेट चेंज होने की प्रोसेस कब तक, जब तक हमारा प्रोसेस उस सिस्टम पे काम कर रहा है। तो यहां से इतना काम हो तो ये स्टेज और ये स्टेज, यहां पे भी हमारी सिस्टम क्या थी, इक्विलिब्रियम में थी। इस डेफिनेशन से क्या पता चलता है कि जब हमारी सिस्टम की स्टेट ये होगी, जब हमारी सिस्टम की स्टेट ये होगी, इस स्टेट पे भी हमारी सिस्टम क्या होगी, इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम मतलब अनडिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब्ड, हमारी सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगी। कैसे होगी, अनडिस्टर्ब होगी, बताता हूं किस तरह से। ये भी एक इंटरमीडिएट स्टेट है, यहां पे भी हमारी सिस्टम कैसी होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, फाइनली भी हमारी सिस्टम कैसी होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे, रिवर्सिबल में, ठीक है। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होगा, द सिस्टम is in equilibrium, system is equilibrium only at initial and final state and not in only initial equilibrium में होगी, finally भी equilibrium में होगी, अंदर जो intermediate states है वहां पे equilibrium में होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये जो हो रही है ना ये fast हो रही है। सिस्टम्स तभी इक्विलिब्रियम में हो सकती है जब हमारी सिस्टम्स कैसी हो, कॉसी स्टैटिक हो, पिछले वीडियो में बताया, ठीक है। लेकिन ये वाली सिस्टम कैसी है, कॉसी स्टैटिक सिस्टम मतलब बहुत ही स्लो, बहुत ज्यादा स्लो। ये रिवर्सिबल प्रोसेस को बोला जाता है कि इट टेक्स, एक और डेफिनेशन हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट।
देखो और एक बन जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा टेक्स फाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, फाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। ये पढ़ते देर इज एन इक्विलिब्रियम एट एच स्टेट ऑफ द प्रोसेस और यहाँ पे इनिशियल फाइनल, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, मान लो कोई गैस है, और हाँ आगे बताने वाला हूँ मैं एजम्पशन, लेकिन एक एजम्पशन लेके चलो यहाँ पे, जो भी जो सिस्टम हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, वो सिस्टम क्या होगा, एक सिलेंडर होगा, उस सिलेंडर में गैस भरा रहेगा, ठीक है, इस गैस के ऊपर एक पिस्टन रहेगा, और पिस्टन कैसा होगा, मूवेबल, लाइट वेट होगा और फ्रिक्शनलेस होगा। ये जो है ये हमारी सिस्टम होगी हर एक केस में, पूरे चैप्टर में यही सिस्टम लेके घूमेंगे हम, गैस सिलेंडर पिस्टन आइडियल गैस खत्म, ठीक है। मान लो इस पे हमने छोटे छोटे वेट्स रखे हैं, इस पे क्या रखा है, छोटे छोटे वेट्स हमने रखे हैं, और ये इनिशियल स्टेट है, मतलब सिस्टम हमारी शांत है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मतलब क्या है, ऊपर वाला प्रेशर और नीचे वाला प्रेशर दोनों क्या है, सेम है, आपने पढ़ा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर है क्लास 12th में, ठीक है, वहां पे प्रेशर के बारे में पढ़ाया अपन ने, है ना। मान लो ये वेट जो है ना बहुत ज्यादा छोटे हैं, ये वेट्स जो है, वेट्स हमारे इन्फाइनाइटसिमली स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे वेट्स है, एक ग्राम से भी कम कम है, ठीक है, एक ग्राम से भी ये वेट कम है, ये वेट कम है पूरा, ठीक है, पूरा तो एक सिग्निफिकेंट होगा कि कुछ तो मेजर कर सकेंगे, लेकिन ये जो छोटे छोटे वेट्स है वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटे है। अभी रिवर्सिबल की बात करते हैं, मैंने क्या करा, इस एक वेट को उठा लिया, उठाकर फेंक दिया, तो क्या हो गया, ऊपर का प्रेशर कम हो गया, ऊपर का प्रेशर कम हो गया, ऊपर का प्रेशर कितना हो गया, मान लो ऊपर का प्रेशर हो गया पी माइनस डीपी, कितने से कम हो गया, डीपी से, डीपी क्यों, क्योंकि वो प्रेशर जो जो वेट हमने हटाया वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, तो उसकी वजह से जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो प्रेशर कैसे प्रोड्यूस होगा, बहुत ही स्मॉल, तो डीपी यहाँ पे क्या है, डीपी इज वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। तो ऊपर का प्रेशर कम हो गया, नीचे का प्रेशर बढ़ गया, नीचे का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये हमारा गैस पिस्टन को थोड़ा ऊपर कर देगा, थोड़ा ऊपर कर देगा, ठीक है, प्रेशर की वजह से प्रेशर ऊपर कर दिया, अभी वॉल्यूम क्या हो गया, अभी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे ऊपर गया पिस्टन हमारा, पिस्टन कितना ऊपर जाएगा, पिस्टन उतना ही ऊपर जाएगा जब हमारा नीचे का भी प्रेशर कितना तक हो नहीं जाता, पी माइनस डी पी इतना ही हो जाता। जैसे ही पिस्टन ऊपर गया हमारा प्रेशर वापस कम हो गया, ठीक है, नीचे का प्रेशर, ये गैस का प्रेशर वापस कम हो गया, लेकिन पिस्टन ऊपर जाने की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया तो गैस वापस फैल जाएगा। अभी पहला स्टेट और दूसरा स्टेट, मतलब वेट हटाने से पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में थी, वेट हटाने के बाद वापस सिस्टम किस में आ गई, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि एक पिस्टन हमेशा के लिए ऐसा ऊपर 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 नहीं जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, खत्म, वापस हमारी ये सिस्टम कैसी हो जाएगी, अनडिस्टर्ब। तो वेट हटाने से पहले भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, वेट हटाने के बाद भी हमारा सिस्टम किस में आ गया, इक्विलिब्रियम। वैसे धीरे 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 वेट हटाते जाएंगे, धीरे धीरे पिस्टन ऊपर उठता जाएगा, और हर एक स्टेट पे हमारी जो सिस्टम है वो कैसी होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम में रहने का कारण क्या है, वो कॉसी स्टैटिक है, क्योंकि वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस। अगर यही काम हम क्या करते हैं, फास्ट में करते हैं, वही सिस्टम है पिस्टन, ठीक है, यहाँ पे आइडियल गैस, यहाँ पे वेट्स है, छोटे छोटे ही है, ठीक है, बड़े नहीं है, छोटे ही है, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, एट अ टाइम सारे उठा लिए, एट अ टाइम सारे उठा लिए, यहाँ पे जब सारे वेट्स हमारे खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे हम एक एक करके वेट उठा रहे, यहाँ पे एक एक करके, ठीक है, वो स्लोली उठा रहे, ठीक है, ये लास्ट हो जाएगा हमारा, लास्ट अचीवमेंट क्या होगा, ये हो गया फाइनली पिस्टन, सब वेट उठाने के बाद गैस ऐसे हो गया, नीचे का दिख रहा है आपको, ओके। यहां पे हमने क्या किया, सारे वेट्स एट अ टाइम उठा दिया, एट अ टाइम उठाने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर एकदम ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे डीपी क्या है, डीपी लार्ज है, बड़ा है, डीपी जो चेंज है प्रेशर का, जो प्रेशर ऊपर का कम होगा, क्यों कम होगा, हमने सारे हटा दिए,
सारे 8 आने की वजह से एकदम सडन प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, सडन प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। सडन प्रेशर ड्रॉप होगा तो सडन पिस्टन ऊपर जाएगा क्योंकि नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। नीचे का प्रेशर जितना ज्यादा है उस डिफरेंस से पिस्टन ऊपर उठ जाएगा। कैसे उठेगा? बहुत फास्ट, और बहुत फास्ट में हमारी ये सिस्टम एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी, गैस इधर उधर चल जाएगा, ठीक है। बहुत फास्टली एक्सपांड होगा। एक्सपांड होने के बाद लास्ट में हमको स्टेट तो यही मिलेगी, ठीक है, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, ये देखो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट। इस स्टेट पे भी जब आएगा बाद में कुछ देर बाद हमारा क्या आ जाएगा, गैस रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इनिशियल स्टेट में भी इक्विलिब्रियम था, फाइनल स्टेट में भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में जो कुछ फास्ट हुआ, वो जो कुछ फास्ट हुई चीजें, वो चीजें होने के दौरान हमारी जो सिस्टम थी वो सिस्टम अपना इक्विलिब्रियम खो देती है, अपना इक्विलिब्रियम खो देती है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्यों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सिस्टम कैसी है, सॉरी ये प्रोसेस कैसी है, बहुत स्लोली काम करते हैं। हर एक स्टेट पे हमको पता चल रहा है कि हमने प्रेशर कितना कम किया, वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है और सिस्टम इक्विलिब्रियम हो चुकी है, लेकिन ये फास्ट प्रोसेस में इस तरह से नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड है। क्या हो जाता है? ये अनबैलेंस्ड प्रोसेस हो जाती है। ये प्रोसेस हम एकदम बैलेंस्ड तरीके से करते हैं, कैसे? बैलेंस एंड कंट्रोल तरीके से करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस वैसी नहीं होती है। तो वापस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस बता सकते हैं कि बैलेंस एंड कंट्रोल होती है, ये भी क्या होती है, कंट्रोल होती है लेकिन बैलेंस नहीं कर पाते, ठीक है। चलो ये हो गया फिफ्थ डिफरेंस। सिक्स पाथ रिमेन्स सेम, पाथ रिमेन्स सेम, ठीक है। मतलब क्या, ग्राफ निकालता हूं। पीवी डायग्राम से हम किसी भी सिस्टम को या प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, जा रही है यहां से और वापस रिटर्न होगी यहां से, रिट्रेस बैक, वो रिट्रेस हम वापस कर सकते हैं। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट गए, वापस फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट गए, कैसे? वापस वो चेंजेस हम रिवर्स करते गए, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंजेस रिवर्स कर सकते हैं, आइडियल कंसेप्ट है, ठीक है। सिक्स यहां पे पाथ क्या होगा, फॉरवर्ड पाथ एंड रिवर्स पाथ डिफरेंस होगी। अभी कैसे बताता है, पाथ डिफरेंट, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, और आपको बोलो चला आपको बोला कि चलो वापस मुझे इनिशियल स्टेट लाके दो, लेकिन प्रोसेस अब कौन से है, इरिवर्सिबल। हम फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट जाएंगे, लेकिन इस टाइम पे पाथ क्या होगा, हमारा पाथ हमारा डिफरेंट होगा। रिवर्सिबल देखो, दोनों तरीके की प्रोसेसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में, चाहो तो हम अचीव कर सकते हैं फाइनल स्टेट से वापस इनिशियल स्टेट अचीव कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सिबल में क्या होगा, जब वापस अपन ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से जो ग्राफ बना था इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट जाने में, वही रिटर्न ग्राफ बनेगा, वही रिटर्न ग्राफ बनेगा फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट तक जाने के लिए। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होगा, जो ग्राफ बना था हमारा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए, वैसा ग्राफ नहीं बनेगा जब हम वापस फाइनल स्टेट से कहा जाएंगे इनिशियल स्टेट तक जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है ग्राफिकल डिफरेंस। सेवन एनर्जी लॉस जीरो, ये आइडियल कंसेप्ट है, ठीक है। जब भी कोई प्रोसेस होती है और वो प्रोसेस रिवर्सिबल होती है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एनर्जी लॉस कितना होता है, जीरो। सेवन फाइनाइट एनर्जी लॉस होता है, फाइनाइट एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है, फ्रिक्शन और अदर फोर्सेस होती है, इसमें भी होता है, ठीक है। लेकिन ये आइडियल कंसेप्ट है, तो आइडियल चीजें पढ़ रहे हैं इसमें, करेक्ट है। उसके बाद में बस 7 डिफरेंसेस बहुत हो गए, ठीक है। तो ये है हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में डिफरेंस, ठीक है। इतना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे कैसा छाप दो, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 3 मार्क के लिए तो 6 पॉइंट लिखने होते हैं, अपन ने 7 लिख दिया, और एक लिखता हूं चलो। इसमें होता है ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स
इज स्लाइटली ग्रेटर देन, इज स्लाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, इसका मतलब बताता हूं मैं, ठीक है। और यहां पे ड्राइविंग फोर्स वेरी 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 ग्रेटर देन कौन से फोर्स, अपोजिंग फोर्स। अब ये ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बताता हूं। ये पिस्टन था, ये गैस था, ड्राइविंग फोर्स कौन है यहाँ पे, ये जो गैस फोर्स लगा रहा है ना पिस्टन पे, पिस्टन को गैस को क्या करना है, हमारे पिस्टन को क्या करना है, हमारे गैस को क्या करना है, पिस्टन को ऊपर उठाना है, पिस्टन को ऊपर उठाना है, तो गैस हमारा ऊपर की तरफ लगाएगा फोर्स, उसको बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स। लेकिन हमारा पिस्टन जो है उसका फोर्स नीचे है, तो पिस्टन हमारा अपोज करता है, यह है अपोजिंग फोर्स। हमने क्या किया था इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस में, धीरे धीरे वेट उठाया था, एक एक वेट उठाया था, ये ऊपर वाला वेट उठाने की वजह से ऊपर वाला अपोजिंग फोर्स थोड़ा कम हो गया और हमारा ड्राइविंग फोर्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मतलब रिलेटिवली, है ना, एक चीज कम करो तो दूसरे अपने आप क्या दिखाएंगे हमको बड़ी। शुरुआत में क्या था, इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्सेस इक्वल थे, लेकिन अभी ऊपर का फोर्स कम हो गया वेट हटाने की वजह से, मतलब अपोजिंग फोर्स कम हो गया, तो अपोजिंग फोर्स कम है किससे, ड्राइविंग फोर्स से कम है, यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे बहुत कम क्यों है, क्योंकि एकदम हमने क्या करे थे, अचानक से सडनली सारे वेट हटा दिए थे, सारे वेट हटाने की वजह से अपोजिंग फोर्स बहुत ही ज्यादा कम हो गया था सडनली, तो ये बहुत ही ज्यादा कम हो गया था, ये भी आप लिख सकते हो, है ना, आप अपने तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होती है रियल टाइम प्रोसेसेस, है ना, ये आइडियल कॉन्सेप्ट है, ये रियल टाइम कॉन्सेप्ट है, ये रिट्रेस बैक कर सकते हैं हम इस प्रोसेस को, इसको नहीं कर सकते हैं, और एक एक एग्जांपल दे देना, एक एक एग्जांपल दे देना, इसमें एग्जांपल क्या दोगे, इसमें नाइन्थ वाला क्या दोगे, थर्मल इक्विलिब्रियम वाली प्रोसेस, उसके बाद में कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन वाली प्रोसेस, कोई भी एक्सप्लोजन वाला प्रोसेस, ये सारे क्या हो गए एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे आइस टू वाटर और वाटर टू आइस, ये जो कन्वर्शन है ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, इस तरह से आप लिख सकते हो, चाहो जितने डिफरेंसेस आप चाहते हो उतने लिख सकते हो, मेन कंसेप्ट क्या है, आपको इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये बाकी के जो फालतू पॉइंट्स है वो ध्यान में नहीं रखे तो भी चलेगा, अगर मिला नहीं कोई पॉइंट्स तो लिख देना, ठीक है, मार्क्स के हिसाब से लिखना। इन्फाइनाइटसिमली स्लो प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस कैसी होती है, इन्फाइनाइटसिमली स्लो मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है, ये रिलेटिवली कैसी होती है, फास्ट होती है। ये पॉइंट बहुत मेन है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के दौरान जो कुछ इंटरमीडिएट स्टेट आएंगी उन इंटरमीडिएट स्टेट पे भी हमारी सिस्टम क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी एट ईच स्टेट, इनिशियल और फाइनल पे तो होगी ही, लेकिन बीच की जो स्टेट्स है वहां पे भी हमारे सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल इक्विलिब्रियम में होगी सिस्टम, फाइनल इक्विलिब्रियम में होगी, बीच में इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, इंटरमीडिएट स्टेट ही हमको पता नहीं चलेगा सिस्टम फास्ट होने की वजह से, तो उसका इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है। फाइनाइट टाइम, ये स्लो बोला है तो ज्यादा टाइम लगेगा, ये फास्ट बोला है तो कम टाइम लगेगा। ग्राफ, ठीक है, पाथ रिमेन सेम, पाथ डिफरेंट हो जाएगा, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है, इसमें एनर्जी लॉस होता है, बाद में ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स और एक एक एग्जांपल इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। सिस्टम इरिवर्सिबल होने के क्या है, क्योंकि रियल टाइम में जितनी भी सिस्टम होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ एक्सप्लोजन होता है, उनमें एनर्जी का लॉस होता है, और वो सारी चीजें जो है, बहुत सारी चीजें हमारी वापस रिवर्स नहीं हो सकती है, मेन रीजन वही है, एनर्जी का लॉस हो जाता है कोई भी प्रोसेस होने में, और एनर्जी का लॉस होता है उसकी वजह से प्रोसेस रिवर्स नहीं हो पाती है, ठीक है। सेकंड, अनबैलेंस इक्विलिब्रियम जो होता है हमारे सिस्टम का, कोई भी प्रोसेस जब होती है, हमारी प्रोसेस क्या करती है, स्टेट वेरिएबल चेंज करने का काम करती है, और स्टेट वेरिएबल चेंज करने में ज्यादातर 90% प्रोसेसेस में क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने की वजह से हमारी सिस्टम वापस वही पाथ रिट्रेस नहीं कर सकती, तो प्रोसेस का इरिवर्सिबल होने के रीजंस क्या है, कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है सिस्टम का, ऐसी प्रोसेस होती है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना ही होना है, अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया
तो वापस प्रोसेस को हम रिवर्स रिट्रेस नहीं कर सकते, और दूसरा एनर्जी का लॉस होते रहता है, एनर्जी का लॉस भी होता है इसलिए वापस रिट्रेस नहीं होती है। ठीक है, ये हो गए हमारे रीजंस। अभी एजम्पशंस, आगे जो हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे है ना, थर्मल, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये सारी प्रोसेसेस जब हम पढ़ेंगे उनको हमें एज्यूम करना पड़ेगा। पहला एजम्पशन वही है कि जो हमारी सिस्टम होगी वो कौन सी होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। जो सिस्टम पे जो प्रोसेस काम करेगी, आइसोथर्मल प्रोसेस, अब ये प्रोसेस जो होगी वो प्रोसेस कैसी होगी, रिवर्सिबल। ठीक है, एजम्पशन है, पहला एजम्पशन क्या है, आगे जितनी भी हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे वो सारे रिवर्सिबल प्रोसेसेस होंगे। वो मतलब क्या, ये सारी चीजें फॉलो होगी, देयर विल बी इक्विलिब्रियम एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस विल बी क्वासी स्टैटिक, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, दूसरा हम सिस्टम मतलब क्या लेंगे, हम सिस्टम में क्या लेंगे, हमारे सिस्टम में हमेशा आइडियल गैस होगा जो सिलेंडर के अंदर होगा, और उसमें क्या होगा, पिस्टन होगा। ठीक है, हमारा सिस्टम विल बी एन आइडियल गैस कन्फाइंड इन द सिलेंडर विद द पिस्टन, और पिस्टन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, मूवेबल, फ्रिक्शनलेस, लाइट वेट। ठीक है, ये सारा ये रहेगी हमारी सिस्टम, हर केस में, हर केस में वही रहेगी। हाँ, जो हमारा सिलेंडर है उसका वॉल जो होगा, सिलेंडर का वॉल हम अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। ये सिलेंडर है, ये जो वॉल होगा, कभी कभी हमारा वॉल कंडक्टिंग होगा, कभी कभी हमारा जो वॉल होगा ये नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब हीट आ जा करेंगी आइसोथर्मल में, और एडियाबेटिक में क्या होगा, आइसोलेटेड होगा, क्योंकि हीट बाहर जानी भी नहीं चाहिए और बाहर से अंदर आने भी नहीं चाहिए। तो सिलेंडर का वॉल हम हमारे हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन गैस सिस्टम वही होगा, क्या, सिलेंडर, पिस्टन, आइडियल गैस, ये हमारा सिस्टम रहेगा हर केस में, आगे जितने भी प्रोसेस पढ़ेंगे उनमें। बाद में जो आइडियल गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को भी करेगा। हमारा जो सिस्टम है उसमें जो हम गैस लेंगे वो गैस हमारा आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करने वाला चाहिए। ये सारे एजम्पशंस हम लेंगे किसमें, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को पढ़ते वक्त। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, देखो फिर हमने आज क्या क्या देखा है, प्रोसेसेस कौन सी है थर्मोडायनेमिक्स वो देखे हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच का डिफरेंस देखा है, प्रोसेसेस इरिवर्सिबल क्यों होती है, और लास्ट में हमारा जो एजम्पशंस है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ते वक्त जो एजम्पशंस होंगे वो एजम्पशंस हमने देखे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।